भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। हे माँ शक्ति दे, हे माँ शक्ति दे, हे माँ शक्ति दे, हे माँ शक्ति दे। नेहा, अरे नेहा, नेहा, शक्ति अरोड़ा कहाँ से आ गया? एक मिनट, हे भाई, हे हेलो, नेहा, हेलो हेलो, क्या 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 हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई मेरी बीवी घूम गई है मेले में। हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो, मैं अपनी बीवी लाके यहाँ घुमा देता हूँ। अरे भाई तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम्हारी बीवी से, मुझे मेरी बीवी से प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, यहाँ पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ तो प्लीज जरा मेरी बीवी को बुलवा दो ना अनाउंसमेंट करके। मेले में डिस्काउंट चल रहा है, 70% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट मेले में, 70% डिस्काउंट कपड़ों पे, 70% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट की बात की, भाभी आ गई। कहाँ थी तुम, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मैं? मैं वो कुछ शॉपिंग करी थी, मैंने डिस्काउंट के बारे में सुना और मेरा जूता भी टूट गया। कोई बात नहीं, 70% ऑफ है, हम नया ले लेंगे। वो एक्चुअली है नहीं, तुम्हें बुलाने की टेक्निक थी वो। सॉरी सॉरी, वो क्या है कि अनाउंसमेंट करना पड़ा, नहीं तो ऐसे आप आती नहीं ना, है कि नहीं? लेकिन भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे में आपका स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाएं नेहा और शक्ति के लिए। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, भैया, भाभी और उनके देवर। तो शुरू करते हैं भाभी के बोल प्रीतम बकलोल। कैसा लग रहा है मेले में आकर के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो हमारे, हाँ मेरी बीवी तो घूम ही गई थी इस मेले में, बताओ यार। लेकिन देखो हम ढूंढ के लाए ना। या, या। नहीं नहीं, आप नहीं ढूंढ के लाए। हाँ, ये 70% डिस्काउंट, बट इट वाज हिज आईडिया। हाँ ये ठीक है। हाँ लेकिन हमारे ना मेले की एक छोटी प्रथा है, वो ये कि ये देख रहे हैं लॉलीपॉप, या जो भी आता ना हमको लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा। ये एक आपके लिए, ये एक आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। व्हिच इज योर फेवरेट फ्लेवर? कालाकटा। आपका? ऑरेंज। चलो थोड़ा तो डिफरेंट बोला, यहाँ जो भी आता सबको काला खट्टा ही अच्छा लगता है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, नोक झोंक तो हर रिश्ते में चलती रहती है। राइट। लेकिन किसने किसको प्रपोज किया नेहा? किसी ने मतलब किसी को प्रपोज नहीं किया, मैंने एक्चुअली नेहा को मैनिफेस्ट किया अपनी जिंदगी। अच्छा। मैंने एक्चुअली में चेकलिस्ट बनाई है कि मुझे किस टाइप की लड़की चाहिए, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, सारी चेकलिस्ट बनाई है। मैं एक एनर्जी बॉल बनाता था, एनर्जी बॉल बनाने के बाद यूनिवर्स में फेंकता था, और मैं डेली करता था ये काम इसके आने से पहले। क्या बात है। यस, और मुझे वैसी ही लड़की मिली। अरे यार मैंने भी कई तरह के एनर्जी बॉल बनाए हैं, काम नहीं करे, पर काम नहीं करा, बैगन का भरता है मेरी जिंदगी। तो जो मैंने भी जो एनर्जी बॉल्स बनाए थे, मेरे ख्याल से उसमें मेरी शिद्दत 70% ही होगी, जैसे तुम कर रहे थे। हाँ। तो मुझे भी 70% ही सही मिला है, उसके अलावा तो मतलब। ओ क्या कह गया लड़का, 70% ही सही मिला है। ऐसा कहते हैं ना कि कम में ही खुश होना चाहिए, तो मैं नेहा सो वो जो खामी रह गई प्रपोजल वाली, वो आज हम पूरी कर देते हैं। आई स्वेयर, है ना? या या, बट मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर इसने मुझे प्रपोज किया होता तो मैं भाग जाती, मना कर देती। बिकॉज़ ऐसा होता था कि सामने वाला लड़का अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देने लगे और वो ऑल गागा हो जाए, तो मैं भाग जाती थी कि ये बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है, बहुत रोमियो बन रहा है, बहुत चेप है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अब तो भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल नहीं है, सो वी कैन ट्राई। चलो ट्राई करते, तो इसके लिए आप यहाँ जाए, और मैं चाहता हूँ कि गुलाब का फूल, उसके बिना तो सवाल ही नहीं। फूल फूल, आह ओ हो, वाओ। तो पोजीशन से तो समझ ही होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, पर रोमांटिक तो हूँ नहीं मैं अपनी निजी जिंदगी में, पर फिर भी मैं ये गुलाब का फूल तुम्हें देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि दैट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई ऑलवेज वांटेड अ कंपेनियन लाइक यू मेरी जिंदगी में, और वैसा कंपेनियन जो है वो मुझे मेरे सामने दिख रहा है। तो मैं इस अपने कंपेनियन, इस दोस्त के साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ बूढ़ा नहीं होना चाहता, पर तुम्हारे साथ हमेशा जवान रहना चाहता हूँ। तो क्या ये जवानी तुम मेरे साथ बिताना चाहोगी? यस।
Thank you. Take a second all. I'm already blushing. क्या बात है यार, very nice. अच्छा हुआ. बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. Thank you. ये actually मुझे ऐसा लग रहा है कि emotional हो गई है. नहीं नहीं बिल्कुल really? नहीं. You're fine, right? No, I'm just blushing because ऐसा इतना रोमांस कभी देखा नहीं ना मैंने. अगर मैं करता ना, अगर प्रपोज करता ना मैं, तो मैं एक्चुअल में इसी स्टाइल में करता. हाँ, हाँ. How sweet. लेकिन वो बात ही थोड़ी सी भावुक इमोशनल हो गई, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा नया रूप देखा है ना. वाओ, तुम्हारे आंसू निकले मेरे पसीने. शक्ति, तुमने तो प्रपोज कर दिया. अभी तुम्हें तो पता है कि देवर भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा छेड़ें, थोड़ा नहीं छेड़ें. मेरा भी मन कर रहा है कि मैं जो हूँ नेहा को अपनी तरफ से फूल दे दूँ, अगर तुम चाहो तो. दे दो. तुम ना भी चाहो तो मैं देना चाहूँगा. ठीक है, दे दो. नेहा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो आज, और तुम यहाँ पर मेले में आकर के तुमने जो चार चांद लगाए हैं, तो मैं तुम्हें ये गुलाब का फूल देता हूँ. इसी तरह से गुलाब की तरह तुम भी जो है खिलती रहो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे. How sweet. और थोड़ा प्यार इधर बांटो, थोड़ा प्यार इधर बांटो. I mean to say देवर वाला प्यार. है ना? ये क्या करती है? Oh, thank you. मैं तो मेरे पति को ही दूंगी ना. मैं आई 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 आहा. मैं आई 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 आहा. ठीक है ना? मैं आई. हाँ, हेलो. अरे सुनो. हाँ? ये खिड़की पे पर्दे लगवा दो. हाँ? वो पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है. एक बार ठीक से देख लेने दो, वो पर्दे लगा देगा, तुम्हें बार बार नहीं देखेगा. अरे तुम छोड़ो. हाँ? हम तो वैसे भी शक्ति जी से बात करने के लिए कॉल किए हैं. फोन दो उनको. हाँ शक्ति जी, आप प्लीज बात करिए. नमस्ते भाभी जी. हेलो शक्ति जी. हेलो. हेलो नेहा जी. हेलो शक्ति जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं. आपका एक सीरियल पहले आता था ना, फिर कोई है. आपको पता है, आपका सुन के हमारे भतीजे का सूसू निकल जाता था. नेहा जी. हाँ जी. आप इन्हें समझाइए ना कि हमारे साथ मिलके कर ले एक लल्ला. पता नहीं इनके दिमाग में क्या है चल्ला. चलो चलो. अरे इतने सारे मेहमान आए, क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? आप समझाइए. हाँ? हाँ? हम रखते हैं. और सुनो, 15 सेकंड में सिर्फ वीडियो बनता है, परिवार नहीं. समझे? ये पागल औरत कुछ भी बोली जा रही है. इज्जत का फालूदा. कुछ सवाल पूछते हैं जिसमें आपको एक दूसरे के लिए पोल खोलनी है. तैयार? तैयार. तो पहला सवाल, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि? मतलब हम लोग अपने मेरे मॉम डैड के साथ रहते हैं. अच्छा. बट इट्स अ जोड़ी फ्लैट. हुँ. तो एक इंटरकनेक्टेड डोर है. तो मॉम डैड एक साइड में रहते हैं और हम दोनों एक साइड. तो ऐसा चलता है मतलब. तो ये जॉइंट और न्यूक्लियर दोनों का मिक्सचर है. दोनों का मिक्सचर. दोनों का मिक्सचर. ताकि घर की शांति भी बरकरार रहे और घर में प्यार भी बढ़ता रहे. आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है आपका और आपके सास ससुर का? हम लोग का रिश्ता जो है वो अच्छा है. हम लोगों में प्यार भी बहुत है, एक दूसरे के लिए केयर भी बहुत है. और नोकझोंक तो देखो नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा ना. शक्ति, कुछ कुछ कहना चाह रहे हो तुम? क्या Next, ना, और क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? आपके चेहरे के भाव में पढ़ रहा हूँ. जैसा उसने कहा. बोलो, मन की बात खोलो, मन से खोलो. अच्छा, हल्का फील होगा. जैसा उसने कहा बिल्कुल सही. नहीं 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 नहीं, एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे थे. नहीं नहीं, प्लीज. Why are you giving wrong impression? अरे, I'm not giving wrong impression. I'm just saying कि हाँ, जो वो बोल रही है बिल्कुल सही है. किसके हाथ का खाना तुम्हें पसंद है? दोनों के हाथ का खाना बहुत पसंद. चल झूठे. अरे झूठा. मेरी मम्मी का. एक से जूते खाते हो, दूसरे से खाना खाते हो? मेरी मम्मी के हाथ का खाना तो डेफिनेटली अल्टीमेट है. यार नेहा, तुम दो घर में कैसे एडजस्ट कर लेती हो यार? अरे मुझसे पूछो कि मैं दो घर में कैसे एडजस्ट करता हूँ. ओके, जोक से पार्ट. हाँ. जोक से पार्ट. देखिए, शुरुआत में सबको यू नो थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट के फेज से गुजरना पड़ता है. बट एवरीथिंग इज एमिकेबल, एवरीथिंग इज यू नो लवी डवी, एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर. आई रिस्पेक्ट हर इमोशंस, शी रिस्पेक्ट आवर्स. और बहुत अच्छा रिलेशन है हम सबका. मैं जोक नहीं मार रहा, ये सच बता रहा हूं. शक्ति की तूने इतना रायता फैला दिया, अब वो जो है छन्नी में बटोर रहा है. अभी देखो, अभी मजाक मस्ती तो करनी चाहिए ना यार. तो इसी ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारा सब कुछ बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सॉर्टेड है, फ्रैंकली स्पीकिंग.
ये ऐसे ही इसको रायता पिलाने। ये भी तो पूछो कि मैं मेरी सास के साथ कैसे रहता हूँ। कैसे रहते हो? हाँ पूछो। ये मेरे घर अगर लिटरली जाएगा तो ये 7 दिन के ऊपर नहीं रह सकता है। क्यों? अरे यार 22 दिन रह के आया था अभी। बिकॉज वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था और ट्रांसपोर्ट नहीं था वापस आने के लिए। एवरी डे ही वाज आस्किंग मी, चालू हुई फ्लाइट्स, चालू हुई ट्रेन, चालू हुई वापस जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, जैसे कि मतलब किसी गेस्ट हाउस में हम रुके हैं। ये मेरी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से रहता है। इनफैक्ट ही इज वेरी लविंग एंड केयरिंग द मॉम। एक और मेरी सास आई हुई है अभी, हमारे साथ ही रह रही है। अरे वाह, काफी अच्छे दिन कट रहे हैं आपके। हाँ दोनों सासें साथ में। अरे वाह, और मेरी सास अटकी हुई है। सुनिया तुमसे पूछता हूँ, एक सास की अच्छी बात एक बुरी बात। तो अच्छी बात ये है कि उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। अच्छा। और खाना खिलाने का भी बहुत शौक है। सो वो कितनी भी थकी हुई हो, और जैसे हम पूरा दिन कहीं बाहर जाकर आएंगे और घर वापस आते हैं तो हम लोग कैसे बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, बट वो वापस आने के बाद भी स्ट्रेट अवे वो सबके लिए जाके कुछ ना कुछ इंस्टेंटली बना देती हैं। तुम्हारी बारी शक्ति। हाँ, मैं इनकी मॉम के बारे में। हाँ बिल्कुल, अच्छी क्वालिटीज अच्छी मम्मी घर पर ही है, उनकी अच्छी क्वालिटीज ही है। नेहा, सास के हाथ का खाना या मम्मी के हाथ का खाना? मम्मी तो समझ जाएगी, सासू माँ के हाथ का खाना। क्या आंसर दिया, मम्मी तो समझ जाएगी, सासू माँ के हाथ का खाना। किसके हाथ का खाना, मम्मी के या सासू माँ? सासू माँ। क्या डिप्लोमेटिक आंसर दिया तुमने, दोनों बिल्कुल ऐसा पतली गली से निकल गए। तो इसी के साथ ये राउंड भी यही समाप्त होता है। एक मिनट यार, क्या क्या हो रहा है यार, ये क्या है, चिपकली! Oh my God! Oh my God! ये disgusting! अरे यार चिपकली, ये चिपकली है यार। शक्ति प्लीज प्लीज, शक्ति असली थोड़ी है, इसलिए मैं ऐसे वाले टाइप के शोज में भी जाता नहीं हूँ। ये मेरी बहनें जो है बचपन में मुझे ये बस ये दिखा के मुझे लिटरली रुला देती थी और मैं रोता था। ये तो पता चल गया कि शक्ति को किस चीज से डर लगता है, लेकिन नेहा को किस चीज, बेबी डोंट सी। हाँ तो नेहा, नेहा किस चीज से डरती है? डॉग्स, भूतों की पिक्चर। भूतों की पिक्चर से तो मैं डरता हूँ, वो नहीं डरती है। मैं तो इतना डरता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ जाना पसंद नहीं करते हैं भूतों की फिल्म देखने। और ये चिल्लाता कैसे है भूतों की पिक्चर? जनरली हम ऐसे मूवी देख रहे थे, आप ऐसे चिल्लाओगे ना, ये इधर बैठे हैं फ्रेंड्स, इधर बैठे हैं, ये ऐसे करके चिल्लाता है ये। तो अभी हमारी जो गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, ये है रोल रिवर्स। ओके, मतलब आप शक्ति बनकर के जवाब देंगी नेहा, और शक्ति आप नेहा बन करके जवाब दे। तो चलिए खेलते हैं खेल हटके भाभी के झटके। रेडी? तैयार हैं? यस। आप दोनों शॉपिंग मॉल में हो और नेहा को 3-4 दुकानों में 50% डिस्काउंट मिल जाता है, तो शक्ति बताओ नेहा कैसे रिएक्ट करेगी? चल चल वापस आके देख के आते। अंदर जाके पता चलता है नेहा ने सारी चीजें जो ली उस पर तो डिस्काउंट ही नहीं है। हाँ, तो फिर मेरा नेहा, तुम शक्ति की तरह रिएक्ट करोगी अब? ओके लग रहा है, ओके लग रहा है, दिस इज नॉट लुकिंग वेरी नाइस, इसे छोड़ सकते हैं। घर में मेहमान आए हैं और उनका छोटा लड़का जो है शरारती, इधर उधर घूम रहा है, चीजें तहस नहस कर रहा है, आपकी फेवरेट चीजें तोड़ देता है, तो नेहा कैसे रिएक्ट करेगी? शक्ति कमीने चांद, मारूंगे तुझे। हाँ आपका बेटा बहुत प्यारा है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, किसी ने शक्ति की गाड़ी ठोक दी, नेहा शक्ति कैसे रिएक्ट करेगा? बीप 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 बीप। बीप बीप क्या होता है? आप समझ जाओ, सिंपल बीप 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 ऐसे ये होगा। इसी के साथ आपने दोनों ने जो है एक दूसरे को अच्छी तरह जाना, परखा और सारे सवालों के जवाब सही दिए। अपनो मन का करती हमाओ ना इमरती। अच्छी वाइफ आई है। आपकी वाइफ है? अरे भाई है मेरी भाई। थोड़ा मेले पे ध्यान दो साहिब, वरना मेम साहब की तरह उसको भी कोई और ले जाएगा। कमीज से बात करो, दिख नहीं रहा कौन है, मेहमान आए हैं शक्ति और नेहा।
हाय नेहा मैम, मैं मेड है। हाय शक्ति सर, अपन मेड फॉर ईच अदर। क्या पागल हो रहे, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम बीच में पटर पटर मत बोलो साहिब, अब अपन तुम्हारे यहाँ काम नहीं करती है। क्यों क्यों? नेहा मैडम, ये जो हमारे साहिब है ना, हर वक्त मेरी बात किया करते हैं। क्या बात कर रही, फालतू बातें कर रही, मैं कब करता तेरी बात? देवा रे देवा, कल अपने दोस्त से नहीं कह रहे थे बाय 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 बाय, अब ये बताओ बार बार बाय बाय करेंगे तो अच्छा लगता है? अरे बाय बाय नहीं बोल रहा, टाटा बोल रहा, टाटा टाटा। ये क्या कर रही है? अरे क्या चाहती हो तुम? क्या है? ये क्या है भाई? कॉल मी हा। अरे इनसे और भी ढेर सारी बातें करते हैं। हाँ तो अब समय आ गया है कुछ सवाल जवाब का, हमारी प्रीतम पंथी का। टन 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 टन। आप एक दूसरे को कितना जानते हैं गेम जो है उसके बारे में, ठीक है? ओके। लेकिन अगर नहीं जानते तो फिर एक सरप्राइज है। सरप्राइज ले आओ भैया। क्या है ये? ग्रीन। तो ये है करेला शॉट्स। अगर आप जवाब से सहमत नहीं हुए एक दूसरे के, तो जाहिर बात है जिसने गलत जवाब दिया उसको करेला शॉट तो पीना ही पड़ेगा। नेहा के इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं? ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए। 3.75 लाख। 360 है तो बहुत पीछे है। इतना पीछे मत करो, मुश्किल से बढ़ते हैं और तुम उन्हें पीछे कर दो। चलो करेला शॉट, करेला शॉट। यस, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा से। नेहा, शक्ति को किस चीज से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? कोई लेट होता है या कोई लेट बैक होता है अगर अपने काम को लेकर, सो ही डजंट लाइक दैट। मैं आराम से काम करना पसंद करता हूँ, तो जो आराम से काम करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, जो फटफट फटफट करते हैं, जो पंक्चुअल होते हैं। शॉट करेंगे, शॉट। तो वो लेट आएंगे तो मैं भी तो लेट आ सकता हूँ। लायर, यू आर लायर। शॉट प्लीज। रॉन्ग। करेला शॉट। यू वांट मी टू हैव दिस, इसीलिए तुम। मैंने वैलिड रीजन दिया पर। नो, ये झूठ बोल रहा है। बहुत हेल्दी चीज खाते हो ना, अब मजा आएगा। चलो ये एक। ए वाह, वन शॉट। शक्ति, हाँ, नेहा को सबसे खराब कलर कौन सा लगता है? खराब कलर? तुम पीती रहो। ग्रीन। रॉन्ग, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। तो तू सारे पिएगी फिर अभी। तुमने पता है ना, मैंने भी ग्रीन पैंट्स भी लिया है, यू नो दैट। मैंने ग्रीन साड़ी भी लिया है। हाउ कैन यू से ग्रीन? ग्रीन इज माय फेवरेट कलर, आई एम नॉट इवन लाइंग। सो नेहा, हां जी, शक्ति के पास सबसे ज्यादा कौन से कलर के जूते हैं? व्हाइट। गलत। थप्पड़। गलत। गलत क्या है? गलत। व्हाइट सिर्फ एक दो ही हैं और बाकी सारे कलर्स के बहुत सारे हैं। पियो 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 पियो। कलर कलर। यस यस यस, वेरी गुड। टेस्टी ना? ऑल योर्स। नो न्यूट्रिशनिस्ट बन। बहुत मजा आया शक्ति और नेहा। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में बहुत फैंस हैं आपके, तो एक कोई फैन है जो आपसे जुड़ना चाह रहा है वीडियो कॉल के जरिए। आइए देखते हैं। अब आगे देखिए फैंस का मेला, बातों का खेला। जी, मैं हेमंत मिश्रा बोल रहा हूँ, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं नेहा मैम का भी और शक्ति सर का दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। बट और साथ ही साथ उन्होंने जो अभी शक्ति सर से शादी की है ना, इस वजह से मेरा एक प्रकार से देखा है दिल टूट गया है। ले जाओ। आप नहीं आए ना पहले? मिले नहीं आप पहले? नहीं, मैं मुंबई में ही था, बट एक्चुअली क्या मुलाकात नहीं हो पाई, मैं कोशिश बड़ा करता रहा। मिस कर गया चांस, थोड़ा सा मिस कर गया। आप मुंबई में तो थे ही ऑलरेडी। एक्चुअली किस्मत जिसकी होती है ना, वो उसी को मिलता है। सी, मैं तुम्हारी किस्मत। भाई बच गए तुम, तुम्हारी जगह मैं भुगत रहा हूँ। मैं ये जिंदगी में भुगतने के लिए तैयार था सर। अच्छा, जहाँ आप हैं वहाँ मुझे होना चाहिए था। तो अभी अरे बस कर भाई, सच में ले जाएगा क्या? मजाक कर रहा था मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए और हमने ढेर सारी मस्ती करी और आपके कुछ मोमेंट्स को हमने रिक्रिएट भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए ये गिफ्ट बुनाई की तरफ से आपके लिए।
इसी तरह से और भी मजा आता रहेगा, सो डोंट वरी, हम फिर लौट करके आएंगे। सो भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे, देखना मत भूलिएगा ओनली ऑन इशारा। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे, थैंक यू। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। जिंदगी का नजारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।